इंद्रदिन सूरी महाराज साहिब उन्हीं के पटदर श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की अगुवाई में निश्रा में पंजाब के अंदर अम्बाला में स्वर्गारोहण अर्धशताब्दी गुरु वल्लभ की मनाई गई। तो गुरु रत्नाकर सूरी महाराज ने एक ही बात कही, हम यहाँ गाएंगे, हम यहाँ नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पूज्य गुरुदेव के 50वें पुण्यतिथि वर्ष को मनाएंगे, लेकिन आपने ठोस कार्य क्या किया? तो उन्होंने आह्वान किया कि गुरुकुल जो गुजरांवाला में रह गया वो पुनर्स्थापित करो। और श्री संघ पूरे उत्तर भारत के श्री संघ आगे आए अम्बाला के अंदर केवल 5 व्यक्तियों के साथ, 5 बालकों के साथ में गुरुकुल की स्थापना कर दी। और आज लुधियाना में वो गुरुकुल जब स्थानांतरित हुआ तो उसने और उन्नति की। अनेक सैकड़ों युवक वहाँ पर पंच प्रतिक्रमण, कल्पसूत्र वांचन इत्यादि सीख कर निकले। और उस गुरुकुल की फलश्रुति आज हमारे सामने है कि मैं बुलाना चाहूँगा भाई दीक्षित को, जिन्होंने वहाँ इस लुधियाना के गुरुकुल में पहले अम्बाला फिर लुधियाना इसमें 5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की और फिर कल्पसूत्र वांचना भी करते हैं और पूजन इत्यादि भी करते हैं, 18 अभिषेक इत्यादि सब इनको कंठस्थ हो गए हैं। तो आज गीत के माध्यम से गुरुवल्लभ को याद करने के लिए मैं गुरुकुल के विद्यार्थी, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भाई दीक्षित को बुलाऊंगा कि आप आएं और गुरुवल्लभ की भक्ति में ये गीत कहें। बोले श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जय। दरबार हजारों हैं, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों हैं, ऐसा दरबार कहाँ, जो गुरुदेव से मिलता है, मिले गुरुदेव से मिलता है, मिल
जहाँ सबकी सुनाई हो, ऐसी सरकार कहाँ। श्री विजय श्रीश्वर जी महाराज की जय।